और आइए अब आपको लेकर के चलेंगे शिवपुरी के करेरा, जहां उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं और आम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, मंचपरा सिंह, केंद्र सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मंचपरा सिंह, दतिया से हमारे विधायक जिनका इस करेरा क्षेत्र के साथ भी संबंध रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मंचपरा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रणवीर रावत जी, के श्रीवास्तव साहेब, कोलारस से आए हुए मेरे ही क्षेत्र के विधायक, वर्तमान में कोलारस और पूर्व में शिवपुरी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी, पिछोर के पूर्व विधायक भैया साहब लोधी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ सिंह जी यादव, पूर्व विधायक आदरणीय रमेश खटीक जी, शिवपुरी से आए हुए विजय शर्मा जी, सरमन सिंह जी गुजर जी, श्रीमती बत्तीबाई आदिवासी अध्यक्ष जनपद पंचायत करेरा, बीके गुप्ता जी, गोपाल चौधरी जी, हेमंत शर्मा जी, पुष्पेंद्र यादव जी, रमेश रावत जी, सुरेंद्र गुजर जी, हुकम सिंह जी लोधी जी, लोकपाल लोधी जी, रफीक छपी खान साहेब, संदीप महेश्वरी जी, प्रीतम लोधी जी, कोमल साहू जी, शिवदयाल भगत जी, वीनस गोयल जी, गोपाल पाल इंजीनियर जी, शिव सिंह जी यादव जी, भजन सिंह जी ठाकुर जी, मेरे पास में बैठे खड़े हुए आपका केवल जनप्रतिनिधि नहीं लेकिन आपका ही बच्चा, आपका ही भाई जसवंत जाटव करेरा क्षेत्र का, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए इस करेरा अंचल की, इस पवित्र माटी की, मेरी आन बान और शान करेरा क्षेत्र की समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है, परिवर्तन का पैगाम आता है, परिवर्तन का पैगाम आता है तो श्री बगीचा सरकार की पावन धरती से ही शुरुआत होता है। श्री बगीचा सरकार की, श्री बगीचा सरकार की, श्री बगीचा सरकार की, और परिवर्तन की आगाज यहीं से शुरू हुई थी। ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 के चुनाव में मैं ठोक के कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी थी तो ग्वालियर चंबल संभाग के 34 में से 26 सीट जब हम जीते उसके आधार पर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी थी। इसका श्रेय किसी नेता को नहीं जाता, इसका श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं जाता, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को जाता है। मैंने सदैव कहा है कि इस पृथ्वी पर दो भगवान होते हैं, पहला भगवान होता है हमारा अन्नदाता, जो अपना पेट नहीं भरता, अपने घर वालों का पेट नहीं भरता, अपने गांव वालों का पेट नहीं भरता, अपने जिले वालों का पेट नहीं भरता, संपूर्ण राष्ट्र का पेट नहीं भरता, मेरा अन्नदाता तो पूरे विश्व का पेट भरने वाला, भरवाने वाला अन्नदाता है। उस अन्नदाता के क्षमता के आधार पर
सरकार हो लेकिन अन्नदाता की सेवा के लिए तत्पर होने वाली सरकार, उसका समर्थन इस पूरे क्षेत्र की जनता संध्या परिवार का मुखिया सदैव करता है। तो पहला हमारा भगवान हमारा अन्नदाता, और दूसरा हमारा भगवान होता है हमारा मतदाता, क्योंकि मतदाता ही इंसान को नेता बना देता है। और जब नेता वादा खिलाफी करे, जब नेता विश्वासघात करे, तो ऐसे नेताओं को धूल चटाने का काम भी मेरी जनता करती है। बड़े आशाओं के साथ शिवराज सिंह जी कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, और आपने जो इतिहास की लकीर खींची थी, केवल विकास की नहीं, केवल प्रगति की नहीं, संवेदनशीलता की, कहीं किसी गांव में घटना हो जाए तो उस तरफ से शिवराज सिंह जी पहुंच जाते थे और इस तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच जाते थे। मुझे याद है जब संभाग में ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, एक एक गांव का दौरा हमने किया था। चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी साथ में गए थे, उस तरफ से पूरे क्षेत्र का दौरा मैंने किया था। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब संकट का समय आपके ऊपर आए, आपका ढाढ़स बनाना, आपका संकट को बांटना और आपका समाधान करना हम लोगों का दायित्व नहीं बनता, हमारा धर्म बनता है। और आज उस समय मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार के 15 महीनों में क्या आपने उस सरकार की जोड़ी, एक था मुखौटा एक व्यक्ति का और पीछे से डोरी कोई और खींच रहा था, सही है कि नहीं? पीछे से डोरी कोई और खींच रहा, एक था सीएम, एक थे सीएम और दूसरे थे सुपर सीएम, सही है कि नहीं? सुनाई दिया शिवराज सिंह जी को सही है कि नहीं? कठपुतली की तरह डोरी खींचना, साहब इस मंत्रालय में इसको अफसर बनाओ, उस मंत्रालय में उसको अफसर बनाओ, और जो 114 जनसेवक थे ये जसवंत जाटव की तरह भीख मांगने के लिए वल्लभ भवन के द्वार के बाहर खड़ा रहते थे, पर इनके चेहरों पर दरवाजा बंद किया जाता था, ये सरकार चल रही थी भोपाल में। इन्होंने विकास प्रगति और संवेदनशीलता की लकीर खींची तो सीएम और सुपर सीएम दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार की लकीर खींच दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पौलाद है सिंधिया परिवार का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी आशा थी, आपकी अभिलाषा थी किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की, अगर उस पर पानी फेरा जाए, उसके साथ विश्वासघात किया जाए, तो क्या ऐसे सरकार को सिंधिया परिवार का मुखिया को चलने देना चाहिए? अभी सुनाई नहीं दिया करेरा वालों, बताओ मुझे, जो व्यक्ति कहता है कि किसानों का ऋण मैं माफ करूंगा, और जो व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट दिलवाता है
लेकिन बैंक में एक रुपया नहीं डालता। अभी शिवराज सिंह जी बताएंगे 8000 का कर्ज इनके टेबल पर छोड़ के गए थे, बैंक वाले इनके पास लाइन पे खड़े हुए थे। जो ऐसा वादा खिलाफी करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो गद्दार नहीं? क्या वो गद्दार नहीं जो किसानों के साथ विश्वासघात करे? क्या वो गद्दार नहीं जो महिलाओं को, मेरी महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में खड़ी बैठी हुई हैं, मातृशक्ति जिनको हम सब नमन करते हैं। अभी पोरी में हम लोग ने सभा किया था, जिन आदिवासी महिलाओं के खाते में शिवराज सिंह जी 1000 रुपया प्रति महीना डलवाते थे, सीएम और सुपर सीएम ने ताला लगा दिया। अगर सीएम और सुपर सीएम ने आदिवासी महिलाओं के पैसे पे ताला लगा दिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस सीएम और सुपर सीएम के मुंह पे ताला लगा दिया। और आज मुझे गर्व है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पौड़ी गए थे, तो एक ही बटन दबाकर 91,000 आदिवासी समाज के महिलाओं में को 1000 रुपया उनके खाते में पिछले 18 महीने का 45 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में, आदिवासी महिलाओं के खाते में पहुंचाया शिवराज सिंह जी ने। अभी तालियां नहीं बजी, अभी शिवराज सिंह जी नमस्कार बैठ के नमस्कार कर रहे हैं। अरे ऐसे ताली हो जाओ, न्याय होगा मध्य प्रदेश में, न्याय होगा मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार समाप्त होगा मध्य प्रदेश में। अभी ग्वालियर में हम लोगों ने मीटिंग ली है, पिछले दौरे में 25 तारीख की रात को 10 बजे और स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं सारे अफसरों को कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, बंद होना चाहिए या नहीं? कमलनाथ जी की सरकार में तो संतरी मंत्री तंत्री सारे के सारे लगे हुए थे, और इतने लगे हुए थे कि उनके कैबिनेट के मंत्री जो आजकल पदयात्रा कर रहे हैं अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध, वो स्वयं ही बंद करो पंखा, जितना पसीना आएगा उतना जोश आता है, ना एसी ना पंखा, गर्मी और मिट्टी, उसी से आप बने हैं, उसी से हम बने हैं, और हम दोनों की शक्ति उसी गर्मी और मिट्टी से आता है। तो वो मंत्री जो आज पदयात्रा कर रहे हैं नदी बचाव के लिए, कैबिनेट मंत्री होकर मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हाथ जोड़े उन्होंने कि मैं माफी मांगता हूं सिर झुकाकर कि मेरी सरकार में अवैध रेत उत्खनन सरकार नहीं बंद कर पाई, और वो मंत्री आज ढोंग पटारा लगा के चल रहे हैं नदी के पदयात्रा पर। जिस सरकार ने नदी खोद दी, उसी सरकार का नुमाइंदा आज पदयात्रा कर रहा है नदी की रक्षा के लिए। अरे नदी का रक्षक तो वो होता है जो आदेश देता है कि अवैध रेत उत्खनन अगर एक होगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब का कारोबार,
बनना चाहते हो, बताओ एसडीएम बनना चाहते हो, ऐसे भ्रष्ट सरकार को जो मैं मानता हूं कि कलयुग की सरकार थी, उस कलयुग की सरकार को हटाकर एक किसानों की सरकार, महिलाओं की सरकार, नौजवानों की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके मुखिया ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में आज के बाद हर सरकारी नौकरी पर मध्य प्रदेश का जवानों को पहला हक मिलेगा, एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में हमने स्थापित की है। जान ले ये कांग्रेसी, ये सिंधिया परिवार में खून जज्बात का है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की जनता का अपमान हुआ, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की विकास और प्रगति में रुकावट लाई गई, मेरे दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी, मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी पार्टी बनाई थी न्याय के लिए और सत्य के लिए, मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं सत्य के पथ पे हूं, मैं आपके विकास के पथ पे हूं, मैं आपके प्रगति के पथ पे हूं, आपके विकास के लिए, आपके प्रगति के लिए अगर मुझे झुकना पड़ा, अगर मुझे आक्रमण के जमीन पर आपके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, तो करेरा के लिए मेरा जान हाजिर है मेरे भाई और बहनों। जिस मुख्यमंत्री और सुपर सीएम ने इस पावन भर्ती पर कदम नहीं रखा, विकास और प्रगति की योजना देना तो जो अलग, आज ऐसा मुखिया आया है जो मेरे कहने पर और इस जसवंत जाटव के कहने पर, हमारे दोनों कहने पर 325 करोड़ रुपए की विकास की योजना आपको लेके आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज करेरा का स्टॉप डैम 5.5 करोड़ का, कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो बंद कर, बनता। आज ये मुख्यमंत्री हैं तो ये बुदनी के लिए नहीं लाए, ये करेरा के लिए लाए। जितना स्थान इनके दिल में बुदनी के लिए है, मैं आपको कह रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको कह रहा है कि उतना ही स्थान इनके दिल में करेरा के लिए है। चाहे करेरा का स्टॉप डैम हो, तिसोटा का स्टॉप डैम हो, नकोश का स्टॉप डैम हो, बहरा का स्टॉप डैम हो, बराशरी का स्टॉप डैम हो, बमरोली का स्टॉप डैम हो, इतने स्टॉप डैमों की इतनी तादाद कि इस करेरा को पंजाब में हम परिवर्तित करके छोड़ेंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। सिरसौत से पिछोर की मार्ग, जिसकी बहुत मांग मैंने की थी कमलनाथ जी से, सदैव कहा जाता था चलो 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 चलो, दिन में 24 घंटे हैं, 26 घंटे नहीं, कोई पैसा नहीं है विकास के लिए, पैसा नहीं सेवा नहीं, ना पैसा था सरकार के इनके पास, पैसा नहीं समय नहीं और विकास के प्रति इनकी इच्छा नहीं थी। इनके जमाने में तो कुर्सी का किया कारोबार और विकास तो बन गया इनके लिए व्यापार, और कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन चुका था। आज करेरा में इन स्टॉप डैमों के अलावा सिरसौत से पिछोर की सड़क 31 किलोमीटर की 123 करोड़ रुपए की एक सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर आप लोगों को दिलवाई है ताकि आवागमन की सुविधा बन पाए। अनेक सिंचाई योजनाएं, तालाब की योजनाएं,
और जितनी भी मांगे इन्होंने की है, जाहिर मांगे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, विराट दिल है, उस विराट दिल के आधार पर मेरी करेरा क्षेत्र की जनता और बगीचा सरकार की जय की क्षेत्र की पार्टी यहां के लिए इन योजनाओं को स्वीकृत करवाएं और शिवपुरी जिले की मणिखेड़ा बांध पर आधारित पेयजल योजना जो कैबिनेट के लिए प्रस्ताव बना है शीघ्र ही शीघ्र उसे स्वीकृत करवाएं, जिसके आधार पर 842 गांवों को अमृत का पानी पीने के लिए संभव हो पाएगा। यह सबसे बड़ी सौगात हमारी सरकार की क्षेत्र हमारी क्षेत्र के प्रति होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मत समझना आप और आपके द्वारा एक एक परिवार को संदेश मेरा भेजना, ये जसवंत का चुनाव नहीं है। आपने मुझे विश्वास दिया था एक एक विधानसभा में जीत का परचम लहराकर, आज ये चुनाव है आपके सम्मान का, आपके मान का, आपके स्वाभिमान का। जिस सम्मान को, जिस मान को, जिस स्वाभिमान को सीएम और सुपर सीएम की जोड़ी ने कुचल के छोड़ दी थी, तो यह चुनौती है आपके मान के लिए, यह चुनौती है आपकी स्वाभिमान के लिए, यह चुनौती है आपके सम्मान के लिए। और ग्वालियर चंबल की एक कहानी है मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को खुले दिल से अपनाते हैं, पर अगर किसी ने विश्वासघात हमसे किया तो बोरी बिस्तर बांध के। तो ये चुनाव जसवंत का नहीं है, ये चुनाव जसवंत जाटव का नहीं है। एक एक विधानसभा में संदेश भेजना, ये चुनाव जसवंत जाटव नहीं लड़ रहा, इनका चेहरा मत देखो, ये जसवंत जाटव का चुनाव नहीं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव है, मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है, ये शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है, ये नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव है, ये नरोत्तम मिश्रा जी का चुनाव है, ये रणबीर रावत का चुनाव है, ये वीरेंद्र रघुवंशी का चुनाव है, ये राजू बाथर का चुनाव है, ये आपका हमारा चुनाव है। क्योंकि पूरा देश करेरा नहीं, भोपाल नहीं, रीवा नहीं, पूरा देश आपके तरफ देख रहा है कि अगर कोई सरकार आए जो आपको कुचले, जो आपके मान को ठेस पहुंचाए, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, वादा खिलाफी करे, गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया है या गद्दार वो जोड़ी है जिसने आपके साथ खिलवाड़ किया, कुर्सी के मोह पे भ्रष्टाचार का आरोप तय किया, इसका जवाब हमको मतपेटी के आधार पर बटन दबाकर देखना होगा। और अटल जी के शब्द मुझे याद आते हैं, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय साथियों, कमलनाथ की सरकार ने किस प्रकार से 15 महीने में इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया और आगे चलकर हमको क्या करना है उसके बारे में पूरी विस्तार से जिन्होंने हम सब चिरैया का मामला उठाया है। आप लोग चिंता मत करो, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी और हम तीनों मिलकर उसका हल निकाल कर आप लोगों को देंगे, ये विश्वास रखना। केंद्र सरकार को प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को से चला गया है, केंद्र सरकार में नरेंद्र सिंह जी और हम मिलकर उसका हल निकाल कर उसका आपको पूरा समाधान करवाएंगे, इसका विश्वास आप रखना। और सभी को कह देना मेरे तरफ से, और सिंधिया परिवार का मुखिया की बात होती है कि जान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंधिया जी। अब मैं अगली कड़ी में जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे गौरव, जो कहते कम है और करते ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक मजबूत साथी के रूप में देश का साथ दे रहे हैं,
देश के गांव गरीब किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का दायित्व जिनके ऊपर है। कोरोना के संकट काल में किसानों को किसी प्रकार के प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होने दिए। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और सबका साथ देने का काम किया, ऐसे हम सबके आदर्श नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज की इस सभा में हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हम सबके मध्य विराजमान केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री राज्यसभा के सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य शासन के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणवीर सिंह रावत जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजू बाथम जी, हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह यादव जी और मंच पर सभी बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी डबरा भी जाना है और आज की सभा मैं हम सब लोग जसवंत जाधव जी को आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके मध्य आए, और इसलिए मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन आप सबको एक प्रार्थना करना चाहता हूं। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आपको आह्वान किया है, यह चुनाव अकेले जसवंत जाधव का नहीं है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और ये चुनाव हमारा आपका सबका चुनाव है, और इसलिए इस चुनाव में जसवंत जाधव जी को आपका आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहां आया था। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आह्वान करूंगा कि वो आए और आप सब जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का आह्वान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का सम्मान है। बोलिए बगीचा सरकार की, भारत माता की, करेरा की बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। चिंता मत करो रे बेटे बेटियों, पुलिस की भर्ती भी निकलने वाली है और बाकी विभागों की भी भर्ती शुरू होने वाली है। हम कमलनाथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। युवाओं को रोजगार देंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। मंच पर विराजमान, समय बहुत कम है, बीच में मत बोलना, 6 बजे जाना है, 10 मिनट बोलूंगा क्योंकि नहीं तो डबरा नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए हमारे लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, और मैं ये विश्वास भी दिला रहा हूं, सौंच रिजा अभ्यारण्य का मामला मध्य प्रदेश ने डी नोटिफाई करके दिल्ली भिजवा दिया और मुझे विश्वास है नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनकी टीम सौंच रिजा अभ्यारण्य को डी नोटिफाई करके इस समस्या का समाधान भी करवा देगी। एक बार ताली बजा के नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करो, अभिनंदन करो। आप सबके दिलों पर राज करने वाले और बेईमान कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार को वादा खिलाफी के कारण धूल चटाने वाले हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य यशस्वी गृह मंत्री कर्मठ नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी, महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, भाई वीरेन जी यादव साहब, हमारे क्षमा मांगता हूं क्योंकि नहीं तो फिर बोल ही नहीं पाऊंगा, सब वरिष्ठ बैठे इसलिए मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर सीध झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जिस जसवंत जाधव ने
अपना इस्तीफा देके कैरियर दांव पे लगा के और इस सरकार को गिराया। जसवंत, जितनी मांगे तुमने की है शिवराज सिंह चौहान एक एक पूरी करके दे देगा। और मेरी बहनों, जसवंत यादव ने कहा है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, इस बेईमान कमलनाथ और उनकी सरकार ने तुम्हारे हाथों से काम छीन लिया था। मैं यूनिफॉर्म अपनी बहनों से बनवाता था, कमलनाथ ने छीन के ठेकेदारों को दे दिया था। मैं पोषण आहार तुमसे बंटवाता था, कमलनाथ ने छीन के ठेकेदारों को दे दिया था। आज मेरी बहनों, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, स्कूल की गणवेश तुम सिलोगी, मामा पैसा देगा खरीदेगा, तुम्हें बेरोजगार नहीं होने देंगे। पोषण आहार तुम बनाओगी, वितरण तुम करोगी, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो पीपी किट हो, बहना बनाने का काम करेगी। और सुनो, सरकार सरकार का फर्क एक थे कमलनाथ, मैंने योजना बनाई थी जितने गरीब रह गए मध्य प्रदेश की धरती पर सबको एक रुपया किलो गेहूं देगा दूंगा, कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में डाल दी। आज मैं यह घोषित कर रहा हूं, जसवंत यादव जी भी है, सिंधिया जी नरेंद्र सिंह जी भी है, कलेक्टर जरा इधर आ जाए, कहा कलेक्टर इधर आओ भाई, देखो बहनों और भाइयों, जितने गरीब जिनको एक रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, 16 तारीख से सब गरीबों को एक रुपया किलो गेहूं खाने दिया जाएगा। जसवंत, रणवीर जी जो पूरी टीम बैठी है, पूरी पार्टी लगा दो, ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, एक नाम नहीं छूटना चाहिए, मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे राम की चिड़ैया राम को ही खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पे। कमलनाथ की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 16 तारीख से जिम्मेदारी है, कोई गरीब रहना जाए, गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। ये कमलनाथ ने बेईमानी की थी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना बंद कर दी कमलनाथ ने, क्यों गिराई कमलनाथ की सरकार सिंधिया जी ने, इन्हें संबल योजना बंद कर दी। और संबल योजना में मेरे बेटा बेटियों, मैंने तय किया था मेरे गरीब बेटा बेटी किसी जाति और समाज के हो, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो चाहे फीस 8 लाख रुपया साल हो, उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। कमलनाथ, तुमने योजना बंद कर दी, ये बेईमानी है कि नहीं, बच्चों के साथ बताओ, अरे जोर से बताओ, बेईमानी है कि नहीं, गद्दारी है कि नहीं, इसलिए सरकार गिराई। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मामा फिर से आ गया है, तुम्हारी फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे, चिंता मत करना, मैंने सब बिल डंप कर दिए, अब वो बिल नहीं वसूले जाएंगे, मामा निपटेगा। तुम्हें तो अब केवल एक महीना के बिजली के बिल जमा करने, कमलनाथ ने धोखा दिया था किसानों को, कर्जा माफी नहीं की, मुझसे बैंक वाले पैसा मांग रहे हैं कि कमलनाथ दादा सर्टिफिकेट बटवा गया, मामा तुम पैसा दे दो। धन्य रे कमलनाथ, ऐसा बेईमान कहीं देखा क्या आपने? कुल 6000 करोड़ के कर्जे माफ किए, उसके भी पैसा नहीं दिए। लेकिन सुनो रे किसान भाइयों, शिवराज सिंह चौहान न्याय देगा, अन्याय नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। ये बेईमान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की मंडली 0% ब्याज पर कर्जा देता था, इन्हें बंद कर दिया, अब भाजपा के राज में 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा। इन्हें खा गए तो रणवीर बैठे किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के नहीं दिए, मेरे किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। सिंधिया जी आप धन्य हो, भाजपा की सरकार बनी, मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भिजवा दिए। और एक बात और सुन लो, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, 18 तारीख के दिन 12 बजे प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 4600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के भेज दिए जाएंगे, चिंता मत करना, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे मेरे बेटियों की शादी का पैसा खा गया कमलनाथ,
मैं देता था 25,000, बेईमान बोले 51,000 दूंगा। शादियां बहुत हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, साल भर हो गया, भांजे भांजे भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो ये धोखा है कि नहीं, गद्दारी है कि नहीं, और इज्जत सिंधिया जी और उनकी टीम ने यह सरकार गिनाई। अरे मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना के अंतर्गत एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, मैं 4 लाख देता था, सामान्य मौत पे मैं 2 लाख देता था, और कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देता था। अरे कमलनाथ, तू तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गया। कार की सरकार है। और मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड़ुआ के लिए मामा देता था। ये लड़ुआ के पैसा खा गया कमलनाथ सरकार। कितनी चीजें मैं आपको बताऊं, समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। सिंधिया जी ने विस्तार से बात कही है, और इसलिए एक तरफ जनता के कल्याण के काम, सारे काम चालू कर दिए जाएंगे। देखो 12 तारीख के दिन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2.25 लाख गरीबों को गृह प्रवेश करवाएंगे मकान में। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 3 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके मकान बना दिए जाएंगे। 16 तारीख को गरीबों के खाते में राशन, 18 तारीख को किसानों के खाते में पैसा, 20 तारीख को संबल का पैसा, और मेरे भांजे भाइयों, मामा फिर से लैपटॉप देगा, बारहवीं में अच्छे नंबर आए हैं, 22 तारीख को जो भी दे देगा। इन बेईमानों ने जितनी योजना बंद कर दी थी सब चालू करूंगा। ये रोते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो कहा भार झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, पैसे नहीं है। ये मामा ये सब चीजें भी देगा, और ये विकास के कामों की सूची है। जसवंत अभी तो 300 करोड़ के दिए हैं, ये ट्रेलर है रे, फिल्म अभी बाकी है। विकास में कमी नहीं रहने दूंगा, और जो और नहीं मांगे की है, दिनारा में कॉलेज खोल दिया जाएगा, नगर पंचायत बना दी जाएगी, करेरा में शानदार बस स्टैंड बनाया जाएगा, रिंग रोड का निर्माण भी करवाया जाएगा, और टीला तालाब परियोजना की भी स्वीकृति कर दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है डबरा जाना है, मुझे एक बात बताओ, आप सबको मुझ पर विश्वास है, सिंधिया जी पर विश्वास है, नरेंद्र सिंह जी पर विश्वास है, रणवीर जी पर विश्वास है, तो आओ मेरे साथ संकल्प लो, इस सरकार को चलने देना है कि नहीं चलने देना बताओ, मामा को मुख्यमंत्री रहने देना है, तो ये चुनाव जसवंत जाटव का नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य जी, नरेंद्र सिंह तोमर का है। आओ संकल्प ले कि भारी बहुमत से जसवंत को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सिंधिया जी मामा और नरेंद्र सिंह तोमर को जिताएंगे। तैयार हो तो खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठाके, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कमल के फूल का बटन दबाने का, भाजपा को जिताने का संकल्प लो। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लेके जाऊंगा। धन्यवाद सभी का। कार्यक्रम के पश्चात